हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस सम प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है 11th का, उसके कुछ पिछले ईयर्स में नीट एम्स में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. सो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज द एलिमेंट्स एक्स एंड वाई, दो एलिमेंट्स हैं अपने पास एक्स एंड वाई, कंबाइंड टू फॉर्म टू कंपाउंड्स. एक्स एंड वाई मिलके टू कंपाउंड्स बना रहे हैं, एक्स वाई टू एंड एक्स थ्री वाई टू. एंड वेन 0.1 मोल ऑफ एक्स वाई टू, एक कंपाउंड एक्स वाई टू का 0.1 मोल वेज 10 ग्राम्स एंड 0.05 मोल ऑफ सेकेंड कंपाउंड वेज 9 ग्राम्स, देन वी हैव टू कैलकुलेट द एटॉमिक वेट्स ऑफ एक्स एंड वाई. सो कैसे हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, लेट सी. Suppose the two elements x and y. We have two elements x and y. They are combining to form two compounds. So one compound is xy2, another compound is x3y2. Situation is like this, carbon and oxygen. One compound is carbon dioxide, another compound is carbon monoxide. Means same elements and different compounds. नेक्स्ट डाटा इज़ वेन 0.1 मोल ऑफ एक्स वाई टू, कि एक्स वाई टू जो हमारे पास कंपाउंड है उसका 0.1 मोल इफ़ वी टेक, उसका मास है 10 ग्राम्स. 0.1 मोल का मास कितना है, 10 ग्राम्स. एंड सेकेंड कंपाउंड का 0.05 मोल का मास है 9 ग्राम्स. सो डाटा लिख लेते हैं यहाँ पे, 0.05 मोल का मास कितना है, 9 ग्राम्स. देन हमें इनके एटॉमिक वेट्स वी हैव टू कैलकुलेट, एक्स एंड वाई के इंडिविजुअली एटॉमिक वेट्स निकालने हैं. सो देखो, सो हमें पता है कि किसी भी कंपाउंड का जो 1 मोल होता है, मोल कंसेप्ट हमें ये बोलता है, 1 मोल इज इक्वल टू GMM. मीन्स 1 मोल का जो भी मास होगा दैट विल बी इक्वल टू इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास. जैसे एग्जांपल के लिए कोई कंपाउंड ले लो, CO2 है, CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कार्बन का प्लस ऑक्सीजन का इंटू 2. सिमिलरली 1 मोल का कोई भी कंपाउंड ले लो, उसका जो मास होगा दैट विल बी इक्वल टू इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास. नाउ एक्स वाई टू का वी नो 0.1 मोल हैज़ मास 10 ग्राम, देन 1 मोल का मास कितना हो जाएगा, 100 ग्राम्स. सो हमारे पास एक तो ये इन्फॉर्मेशन आ गई कि एक्स वाई टू का 1 मोल का मास 100 ग्राम्स है. अब 1 मोल का मास 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम ही उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया, बिल्कुल ठीक है. अब एक्स वाई टू का हमें निकालना क्या था, अटोमिक वेट्स ऑफ एक्स एंड वाई. अटोमिक वेट्स निकालने हैं एक्स एंड वाई के. एटॉमिक वेट एक्स का मान लेते हैं हम ए और वाई का मान लेते हैं बी. तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस टू बी इज इक्वल टू 100 ग्राम्स. एटॉमिक वेट एक्स का हमने ए सपोज कर लिया, तो एटॉमिक वेट ए प्लस टू वाई है, वाई दो बार लेना है, उसका बी मान लिया, तो टू बी इज इक्वल टू 100 ग्राम. फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई हमारे पास. नाउ सेकेंड इक्वेशन फॉर सेकेंड कंपाउंड, सेकेंड कंपाउंड हमारे पास है एक्स थ्री वाई टू. सेकेंड कंपाउंड इज एक्स थ्री वाई टू, उसका डाटा देख लेते हैं, फिर सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी. 0.05 मोल हैज़ मास 9 ग्राम, सो 1 मोल का मास होगा 1.05, तो ये आपका आ गया 900/5. सो ये आपका आ गया 180, ठीक है. तो सेकेंड कंपाउंड का 1 मोल का मास हो गया 180 ग्राम्स, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास. अब इसमें इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स का मास हमने ए माना था, 3 एक्स हैं, 3 ए प्लस 2 बी इज इक्वल टू 180 ग्राम्स. सो दिस इज़ अवर सेकेंड इक्वेशन. सो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास ए प्लस टू बी. सो मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेती हूँ, ए प्लस टू बी इज इक्वल टू 100 ग्राम्स. एंड सेकेंड इक्वेशन इज़
3a plus 2b is equal to 180 grams. सो इक्वेशंस को हम माइनस कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया. 2a is equal to 80, सो a हमारा आ गया 80 by 2, that is 40. a हमने किसका एटॉमिक मास कंसीडर किया था, x का, तो x का एटॉमिक मास कितना आया हमारा 40. अब रह गया आपका y का, जिसे हमने b माना था. किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं. ए आपका आया 40 प्लस 2b इज इक्वल टू 100, सो ये आपका हो गया b इज इक्वल टू 60 बाय 2, दैट इज 30. सो नेट रिजल्ट आपका आ गया x का मास 40 एंड y का मास 30. सो एक बार दोबारा देखो, बहुत सिंपल है, 2016 में आया हुआ है नीट में क्वेश्चन. दो एलिमेंट्स हैं x एंड y. X and Y are combining to form two compounds, XY2 and X3Y2. डाटा था कि उसका 0.1 मोल का मास 10 ग्राम है, तो वहाँ से हमने 1 मोल का निकाल लिया 100 ग्राम्स. अब हमें पता है किसी भी कंपाउंड का 1 मोल का मास उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, विच इज़ इक्वल टू सम ऑफ इट्स एटॉमिक मासेस. सो एटॉमिक मासेस X का हमने A मान लिया, Y का B. सो फर्स्ट इक्वेशन आ गई A प्लस 2B इज इक्वल टू 100 ग्राम. सेकेंड कंपाउंड का डाटा था 0.05 मोल का मास था 9 ग्राम, वहाँ से हमने 1 मोल का मास निकाल लिया 180 ग्राम. तो उसके फॉर्मूले से उसकी इक्वेशन आ गई 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 180. सो दोनों इक्वेशंस को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, वहाँ से a का आ गया 40 ग्राम्स. अब a का 40 आया था, उसे किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे हमने उसे फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास ये वाली आई थी a प्लस 2b, उसमें पुट किया. And the result is y is equal to 30. So x का 40 and y का 30. So equation से आपका ये option number A. Option number A correct आ रही है, x is 40 and y is 30. Now next question. 2015 में NEET में आया हुआ question है. The question is the number of water molecules is maximum. वी हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. आउट ऑफ दीज ऑप्शन वी हैव टू चूज विच वन शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. सो ऑप्शन इज फर्स्ट है 1.8 ग्राम वाटर, सेकेंड 18 ग्राम, देन 18 मोल्स, देन 18 मॉलिक्यूल्स. वी हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो डी ऑप्शन में कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स हैं. अनदर जो ऑप्शन है वो मास की फॉर्म में है, पहली दो सी मोल्स की फॉर्म में ही है. सो डी तो आपका 18 मॉलिक्यूल्स ही आ गए, सी में मोल्स हैं, 18 मोल्स हैं. मोल्स में मॉलिक्यूल्स कैसे निकलते हैं, वन मोल इज़ ऑलवेज इक्वल टू 6.022 इंटू 10^23. ये एक नंबर है. अब मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो वन मोल इज़ इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. How many moles we have? 18. It means 18 molecules will have 18 into Avogadro number of molecules. So C option में इतना हमारे पास number है. D option में we have only 18 molecules. Compare करेंगे which is having maximum number of molecules. सो दो को हमने मॉलिक्यूल्स में चेंज कर लिया, 18 मॉलिक्यूल्स एंड 18 इंटू एवोगैड्रो नंबर. एंड अदर टू देखते हैं. ए ऑप्शन में मास दिया है, सो मास से मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हम पहले उसे मोल्स में चेंज कर लेंगे. सो मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास. वाटर है, वाटर का होता है 1 + 1 + 16 = 18. सो डिवाइड बाई 18, 1.8/18. सो मोल्स आ गए आपके पास 0.1 मोल्स आ गए ऑप्शन में. सो मोल्स से मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेंगे, इनटू एवोगैड्रो नंबर. सो ए को हमने मॉलिक्यूल्स में चेंज कर लिया मास से. कैसे करना है, जब भी मास दिया हो मास के पहले मोल्स बना लो. एक मोल में जैसे हमें पता है एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो 0.1 मोल में इनटू 0.1. नाउ बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में बोल रहा है 18 ग्राम.
एस सच 18 ग्राम ही है, तो गिवन मास भी 18 है, मोलर मास भी 18 है, तो मोल आ गए 1. 1 मोल मीन्स ऑटोमेटिकली एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. नाउ हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं, ए ऑप्शन में वी हैव दिस मच, बी में हमारे पास इतना है, सी में हमारे पास ये है और डी में हमारे पास ये है. अब हमने बताना क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो जैसे हमें दिख ही रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में है, सी ऑप्शन है. सो सभी को एक फॉर्मेट में चेंज कर लिया, मॉलिक्यूल्स पूछे थे तो मास से हमने मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, मास से मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, फिर मोल्स, तो इसमें मोल्स डायरेक्टली थे, मॉलिक्यूल्स डी में ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स थे. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट, 18 मोल्स हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. 2015 का क्वेश्चन है. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इफ एवोगैड्रो नंबर एन ए, एवोगैड्रो जो नंबर होता है उसको एन ए भी लिखा जाता है, इज चेंज फ्रॉम 6.022 × 10³³ पर मोल टू 6.022 × 10²³ पर मोल, दिस वुड चेंज. हमें ये बोल रहे हैं कि एवोगैड्रो नंबर, सपोज करो कि इसके बजाय एवोगैड्रो नंबर ये होता, एवोगैड्रो नंबर ये ना होके एवोगैड्रो नंबर ये होता, तो उससे क्या चेंज आना था, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन. कि हमने एवोगैड्रो नंबर जो कांस्टेंट होता है उसको सपोज कर लो कि इससे ये बना दिया, ये चेंज होने से क्या चेंज होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन चेंज हो जाएगा, या रेशियो ऑफ केमिकल स्पीशीज टू वन अनदर इन बैलेंस्ड इक्वेशन, या रेशियो ऑफ एलिमेंट्स टू ईच अदर इन अ कंपाउंड, या डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट्स ऑफ ग्राम. सो हमको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो एवोगैड्रो नंबर के चेंज होने से चेंज होगी, कांस्टेंट की वैल्यू हमने चेंज कर दी तो इनमें से कौन सी चीज़ चेंज हो जाएगी. मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, लेट्स सी, 1 मोल हमारी जो डेफिनेशन है, हमें पता है कि 1 मोल मीन्स इतने मॉलिक्यूल्स, या इस केस में एटम्स लिखेंगे, कार्बन है तो इतने एटम्स का मास कितना होता है, 12 ग्राम, ये फिक्स है चीज़, इतने ही एटम्स का मास हमेशा 12 ग्राम आएगा. अब उसने क्या किया, कांस्टेंट की वैल्यू इससे ये बना दी, तो नेचुरली मास पे फ़र्क पड़ेगा ही, हम करके देख सकते हैं. इतने एटम्स का मास फिक्स है हमारे पास कि 12 ग्राम है, इतने एटम्स का मास 12 ग्राम है, देन इतने एटम्स का मास कितना आएगा, बाय अप्लाइंग यूनिटरी मेथड तो मास चेंज हो गया, यस डेफिनेटली. सो इफ वी चेंज एवोगैड्रोस कांस्टेंट, हमारे पास क्या चेंज हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, मास डेफिनेटली चेंज होगा बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी फिक्स्ड कि 6.022 × 10³² एटम्स का 12 ग्राम होता है, तो इंटू 20 का डेफिनेटली कम होगा, तो ऑटोमेटिकली दिख रहा है सिंगल चॉइस क्वेश्चन ही है, फर्स्ट ही ऑप्शन बनेगी. बाकी एक बार देख लेते हैं, रेशियो ऑफ केमिकल स्पीशीज टू वन अनदर इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन में जिस रेशियो में वो रिएक्ट करते हैं वो चेंज नहीं होगी. इसका मतलब क्या है, कोई भी आप रिएक्शन लिख लो, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस H2O, अब इसको बैलेंस करके हम लिख लेते हैं. एवोगैड्रो चेंज होने से जैसे 2:1 की इनकी स्टोइकोमेट्री है, इसके 2 मोल्स हैं तो इसका 1 मोल है, वो चेंज नहीं होगा. देन रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड, अब रेशियो ऑफ एलिमेंट जैसे वाटर की बात करो, 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम ऑक्सीजन के, ये भी चेंज नहीं हो सकता, एवोगैड्रो कांस्टेंट होने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा. डेफिनेशन ऑफ मास, ये जो मास की डेफिनेशन है ये भी फिक्स ही होती है, ये भी चेंज नहीं होगी. तो एवोगैड्रो कांस्टेंट चेंज होने से जो 1 मोल कार्बन का मास है दैट विल चेंज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एम्स 2019 में आया हुआ है, कंसंट्रेशन टर्म्स का क्वेश्चन है. कैलकुलेट मोलारिटी, क्या निकालना है हमको, मोलारिटी फाइंड करनी है. कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ 63% वेट बाय वेट, ये मास परसेंटेज दे रखी है, 63% वेट बाय वेट नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन इफ़ डेंसिटी इज 1.4 ग्राम पर ml, तो इनमें से कौन सी ऑप्शन बनेगी. सो ये
देखो वेट परसेंटेज, वेट परसेंटेज इज 63%। वेट परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब है 63 ग्राम HNO3 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। लाइक वी हैव द सिचुएशन इज वी हैव HNO3 सॉल्यूशन, HNO3 का सॉल्यूशन का मतलब है HNO3 इन वाटर है, तो टोटल जो सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम है, तो उसमें से सॉल्यूट जो कि HNO3 लिया गया है वो कितना है 63 ग्राम। इसी को आप ऐसे बोलते हो, मास परसेंटेज का मीनिंग होता है कि इफ सॉल्यूशन टोटल इज 100 ग्राम तो उसमें सॉल्यूट कितना है, उसको मास परसेंटेज से लिखते हैं। और वो हमें पूछा क्या हुआ है, हमें मोलैरिटी पूछ रहे हैं, कैलकुलेट मोलैरिटी। तो ये ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं कि जिनमें एक कंसंट्रेशन टर्म दे रखी है, दूसरी कंसंट्रेशन टर्म हमसे पूछते हैं। मास परसेंटेज भी कंसंट्रेशन टर्म है और मोलैरिटी इज ऑल्सो कंसंट्रेशन टर्म। ऐसे न्यूमेरिकल्स को कैसे अप्रोच करना है, जब भी दो कंसंट्रेशन टर्म्स होंगी, एक कंसंट्रेशन टर्म की वैल्यू गिवन है और दूसरी कंसंट्रेशन टर्म पूछी है, तो हमने इसमें दो स्टेप्स लगाने हैं। क्या स्टेप्स लगाओगे, राइट द लॉजिकल मीनिंग ऑफ गिवन कंसंट्रेशन टर्म, गिवन कंसंट्रेशन टर्म। अब इसका मतलब क्या है, दो कंसंट्रेशन टर्म्स में हम डील कर रहे हैं, मोलैरिटी और मास परसेंटेज में, एक की वैल्यू दे रखी है दूसरे की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो जिसकी वैल्यू दे रखी है उसका लॉजिकल मीनिंग लिख लेना। जैसे मैंने इसका मीनिंग लिख लिया कि भाई एक्चुअल में 63% का मीनिंग क्या है, 63% का मतलब है 63 ग्राम नाइट्रिक एसिड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिकल मीनिंग लिख लिया। अब सेकेंड स्टेप क्या लिखना है, पुट वैल्यूज इन द फॉर्मूला ऑफ रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन टर्म। अब रिक्वायर्ड कौन सी है, रिक्वायर्ड मतलब जो हमें पूछी गई है, जो हमें चाहिए क्या, मोलैरिटी। तो उसका फॉर्मूला बनाओ और उसमें वैल्यूज पुट कर दो। ये दो स्टेप्स हमें बहुत यूजफुल होंगे जब भी ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे। किस टाइप के न्यूमेरिकल्स, जिसमें दो कंसंट्रेशन टर्म के साथ डील करते हैं, वन कंसंट्रेशन टर्म की वैल्यू दी होगी और दूसरी कंसंट्रेशन टर्म पूछी है। इसमें ज़्यादा मिस्टेक क्या होती है कि बच्चे कई बार जो कंसंट्रेशन टर्म दे रखी है उसका फॉर्मूला लगा लेते हैं, उसका मीनिंग लिखना है लॉजिकल मीनिंग और जो पूछा है उसका फॉर्मूला बनाना है। अब पूछा इसमें क्या है, मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, वॉल्यूम सॉल्यूशन का टोटल का। अब नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास 63 अपॉन मोलर मास, HNO3 का मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी 63 ही आएगा, इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। डेफिनेशन में लीटर में होता है तो आपके पास मिलीलीटर्स में है तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा। मैंने ये क्यों लिया है, क्योंकि हमें जो डेंसिटी गिवन थी वो ml में है, 1.4 ग्राम पर ml, वी कैन सी इट 1.4 ग्राम पर ml डेंसिटी दे रखी है। सो वैल्यूज पुट करती हूँ, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम इज मास बाय डेंसिटी। अब मास कितना पुट करेंगे, मास इज 100। इसमें मैं आपको बता रही हूँ मिस्टेक एक तो यहाँ पे होती है, यहाँ पे इसको मार्क कर लेना है, बच्चे गलती से मास कई बार 63 पुट करके आ जाते हैं, मास 100 होगा क्योंकि टोटल सॉल्यूशन का मास 100 है, आपको वॉल्यूम भी किसका चाहिए, सॉल्यूशन का, तो मास भी किसका लेंगे, सॉल्यूशन का। मोर ओवर डेंसिटी भी हमें किसकी दे रखी है, सॉल्यूशन की दी होती है डेंसिटी हमेशा। सो मास 100 आएगा, 100 मास पुट करके वॉल्यूम आपके पास बन गया 100 अपॉन 1.4, ये वैल्यू यहाँ पुट करो। सो मोलैरिटी विल बी, ये कट गया, 1 × 1000 अपॉन 100 × 1.4, ये आपका आ गया 14। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये, एक बार कंसेप्ट बनना चाहिए, आराम से सॉल्व हो जाते हैं। रिपीट कर लेते हैं एक बार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मोलैरिटी पूछी थी, एक सॉल्यूशन है, किस चीज़ का सॉल्यूशन है, HNO3 का है, उसकी मोलैरिटी निकालनी है,
प्रोवाइडेड उसकी मास परसेंटेज गिवन है और डेंसिटी गिवन है, दो चीज़ें दे रखी हैं। तो उनकी हेल्प से मास परसेंटेज का मीनिंग लिखने के बाद मोलैरिटी के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी, मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन एमएल, वॉल्यूम के लिए डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी, वैल्यू पुट करके डायरेक्ट आपके पास 14 आंसर आता है, सो ऑप्शन नंबर ए। नाउ फिफ्थ न्यूमेरिकल, ये भी एम्स 2016 का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 ml ऑफ लिक्विड कार्बन डाइसल्फाइड विद स्पेसिफिक ग्रेविटी दिस मच इज बर्नड इन ऑक्सीजन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग गैसेज मेजर्ड एट STP। नाउ क्वेश्चन है 10 ml ऑफ लिक्विड डाइसल्फाइड, पहले तो लिक्विड कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मूला होता है CS2, 10 ml है वो लिक्विड है तो उसका वॉल्यूम दे रखा है और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। अब देखो वॉल्यूम और स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इससे मास आ जाएगा, इज बॉन्ड इन ऑक्सीजन, इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग गैसेस। नेचुरली जब आप इसे बर्न करोगे तो उसमें गैस बनेगी, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन है सो इसको बैलेंस करना ज़रूरी है, सो सल्फर दो है यहाँ पे, दो लगा ये 3 आ गया। 10 ml ऑफ लिक्विड कार्बन डाइसल्फाइड इज बर्नड इन ऑक्सीजन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग गैसेस, गैसेस हैं आप कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनी है, उनका आपको वॉल्यूम निकालना है STP पे, कि STP की कंडीशंस रख लें तो जो रिजल्टिंग गैसेस हैं उनका कितना वॉल्यूम होगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। सो ये ऑप्शंस हैं, इनमें से ऑप्शन देखनी है कौन सी सही आएगी। अब स्टोइकोमेट्री लगेगी, अब इनके कॉफिशेंट हैं 1 मोल कार्बन डाइसल्फाइड बर्न होके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एंड 2 मोल्स सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, और STP की कंडीशंस हैं, STP पे हमें पता है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस हैज़ वॉल्यूम 22.4 लीटर्स, इसमें स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी गैस का 1 मोल ऑफ एनी गैस STP पे 22.4 लीटर ही उसका वॉल्यूम आता है, क्योंकि उसने हमें वॉल्यूम पूछा है इसलिए वॉल्यूम के साथ रिलेट कर रहे हैं। अब 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 है, अब देखते हैं इसका 1 मोल बर्न होता है तो इसका 1 बनता है, इसके 2 बनते हैं। अब किसी तरीके से हमें ये पता चल जाए कि CS2 के कितने मोल यूज़ हुए, 1 मोल से 1 मोल और 2 मोल, टोटल 3 मोल गैस बन रहे हैं, कब बन रहे हैं, वैन इसका 1 मोल बर्न होता है। अब इसका कितना बर्न हुआ है वो देखना पड़ेगा, 1 मोल तो हुआ नहीं, हमें नहीं पता कि इसका 1 मोल बर्न हुआ है, उसने बोला 10 ml बर्न किया था, सो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, सो मास देखते हैं कितना बर्न हुआ है, ये हमें दे रखा है 2.63 स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 10, 26.3 ग्राम बर्न की है वॉट कार्बन डाइसल्फाइड, मास में तो आ गया, अब मोल कितने बर्न किए हैं, गिवन मास बाय इसका मोलर मास, अब CS2 का मोलर मास कार्बन का 12, सल्फर का 32 इंटू 2, ये आप कर लो, ये आपका आ गया 76। तो मोल्स का फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, इतने मोल्स बर्न हुए हैं किसके, CS2 के, यहाँ पे लिख लेते हैं बाद में इकट्ठी कैलकुलेशन कर लेंगे। CS2 का 1 मोल बर्न होता है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का बनता है और 2 मोल SO2 के बनते हैं। अब एक्चुअल में हमें नहीं पता था कितना CS2 बर्न हुआ है, हमें ये पता था 10 ml है और डेंसिटी पता थी, उन दोनों की हेल्प से मास पता चल गया कितना मास इसका बर्न हुआ है, मास से आगे मोल्स निकाल लिए, उसमें कैलकुलेशन करना आसान रहेगा। अब देखो 1 मोल से 1 मोल एंड 2 मोल, अब एक्चुअल में मोल कितने बर्न हुए हैं, इतने, तो इसके कितने मोल बनेंगे, सेम इसके कितने मोल बनेंगे, 2 into this, ये समझ रहे हैं कैसे लिखे, 1 मोल से 1 मोल और 2 मोल जितने बर्न हो रहे हैं उतने से दिस और उससे डबल। दोबारा एक बार, CS2 लिक्विड कार्बन डाइसल्फाइड बर्न की वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग गैसेस निकालना है, इसका नहीं निकालना, इनका कितना वॉल्यूम फॉर्म हुआ STP पे, हमें ये पता है कि 1 मोल से 1 मोल और 2 मोल, इतने मोल से इतने और इतने, सो
हम ये ले लेते हैं टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट आपका क्या है, CO2 प्लस SO2, इनके टोटल मोल्स कितने बन रहे हैं, दिस प्लस दिस, तो ये हो गया 3 × 26.3/76. टोटल मोल्स आपके पास इतने आए. अब आपको पता है STP पे 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर्स, तो इतने मोल्स का × 22.4. इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को सॉल्व करके आपके पास 23.25 लीटर निकल के आएगा, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर 1. सिंपल क्वेश्चन है, स्टीशियोमेट्री का न्यूमेरिकल है. लेट्स सी अगैन. 10 ml ऑफ लिक्विड कार्बन डाइसल्फाइड, ये CS2 का हमें फॉर्मूला आना चाहिए. इस बर्नड इन ऑक्सीजन में बर्न किया, प्रोडक्ट्स लिख लिए. वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग गैसेज एट STP. STP पे हमें ये नॉलेज होनी ज़रूरी है कि 1 मोल का वॉल्यूम STP पे 22.4 लीटर्स होता है. तो हमें ये पता चल जाए कि टोटल गैसेस कितने मोल बनी हैं. 3 नहीं लगा देना, क्योंकि 3 तो स्टीशियोमेट्री के अकॉर्डिंग है, जितने इसके यूज़ होंगे उसका 3 टाइम्स होगा टोटल. 1 से 1, 2, इतने से दिस, 2 × दिस, टोटल मोल्स हो गए 3 × दिस, और 1 मोल का वॉल्यूम 22.4, इतने का कितना, × 24. सो दिस इज योर आंसर. सो ऑप्शन नंबर आपकी ए करेक्ट हो गई. सो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं स्टीशियोमेट्री के और मोल कंसेप्ट के. सो इन द नेक्स्ट वीडियो कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.